कश्मीरी गेट में पहुंच चुकी हूं और ये पेट्रोल लक्ष्मी हॉलीडे, ये रही हमारी बस फाइनली। जो पैसेंजर एक बार हमारे साथ आ जाए वो जिंदगी भर याद रखे कि हम खड़क सिंह के साथ गए थे। मैं अभी उतर चुकी हूं और मैं मनाली पहुंच चुकी हूं। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल पंजाबी मुठिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए, ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं और मेरी प्रेयर है कि आप लोग सभी अच्छे रहें। अगर आप अच्छे हैं तो ही मैं अच्छी हूँ। तो जी, मैं आपको लग रहा होगा मैं कितना एक्साइटमेंट में आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज मेरा ट्रैवलिंग शुरू हो चुका है। और आज गैस करिए बताइए कि आज मैं ट्रैवलिंग पे कहाँ जा रही हूँ। तो आप लोग कैसे बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। तो आज मैं, जी हाँ, आज मैं मनाली जा रही हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट ट्रिप होने वाला है, सोलो ट्रिप। और मैं मनाली जाने वाली हूँ, मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ मनाली के बारे में कि वहाँ का वेदर कैसा है, मैं बाय बस जा रही हूँ और मैं वहाँ का सब कुछ आपको बताऊँगी डिटेलिंग में। तो आइए चलते हैं मनाली। मनाली गाइस, चलते हैं मनाली। तो आइए, चलिए चलते आइए, अब आगे का दिखाते हैं। अब हम चलते हैं, गाइज ये कश्मीरी गेट में पहुंच चुकी हूं और ये पेट्रोल पंप है कश्मीरी गेट का। और मैं आपको दिखाती हूं लक्ष्मी हॉलीडे वालों का एक वेटिंग एरिया भी है, इनका लॉन्ज है, यहां पे हम वेट भी कर सकते हैं अगर हम पहले आ जाते हैं। तो ये इनका वेटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं पूरा यहां पे लक्ष्मी हॉलीडेज। मैंने गिरा बस लक्ष्मी हॉलीडेज। भैया हम कितनी देर तक पहुंच जाएंगे, कितनी देर में पहुंचते मनाली बताओ जल्दी। 9:30 भैया ने बता दिया बड़ा सोच समझ के, सुबह मॉर्निंग में हम 9:00 पहुंचेंगे, वो भी मनाली। और ये रही हमारी बस फाइनली। अभी स्पीकर नहीं है, अगर वॉइस में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए हमारी बस रुकी है, जो कि है नाम मुरथल, वहाँ पे मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो आधे घंटे का टाइम मिला, आधे घंटे बाद हमें, मैं देखो यहाँ पे आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। तो चलते हम खाना खाने के लिए। गाइज ये मेरा खाना आ चुका है जो मैं खा रही हूँ। तो मैंने मंगाया है मशरूम मटर और ये प्लेन राय। मनाली में 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं अभी तक तो मैं बस में ही हूँ। गाइस अब हम ड्रॉप कर दिया इन भैया, ये भैया आए थे और भैया ने बहुत अच्छे से फैसिलिटीज दी हैं, पानी की बॉटल्स भी थी, सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और बस जो है वो इन भैया ने चलाई थी, अब बहुत ही कंफर्टेबल चलाई है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं बस में बैठी हूँ, इतना रिलैक्स होकर आई हूँ, बहुत कम्फर्टेबल है ये बस। तो आप आ सकते हैं, बाकी इस बस की सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है। तो भैया वैसे कितने टाइम में आप ले आते हैं, बस कितना टाइम लगता है? 13-13.5 घंटे लगते हैं।
भैया कह रहे हैं 13-13.5 घंटे लगते हैं दिल्ली टू मनाली आने में, और ये भैया तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे देखो तो हम मनाली पहुंच चुके हैं, तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। भैया कुछ और बताना चाहते हैं आप, कुछ सर्विसेज बस के बारे में कुछ? आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं? हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई मुझे, बस तो इतनी सर्विस अच्छी है हमारी। थैंक यू। बस चला के लेके आए दिल्ली टू मनाली, और बहुत अच्छे से बस इन्होंने ड्राइव करी है, और मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं चला, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस में नहीं प्लेन में बैठी हूँ, ऐसे पायलट थे ये। तो हम तो अपना बेस्ट देते हैं, जैसा भी हमारा अनुभव है उसी के हिसाब से अपना जो बेस्ट है वो अपना देते हैं कि किसी पैसेंजर को कोई परेशानी ना हो किसी प्रकार की। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो पैसेंजर एक बार हमारे साथ आ जाए वो जिंदगी भर याद रखे कि हम खड़क सिंह के साथ गए थे। वाओ। देखा नाम भी कितना अच्छा, खड़क सिंह, बट गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई, बहुत अच्छे वाले पायलट थे ये। और इस बस का नाम जो था लक्ष्मी हॉलीडेज था, तो आप आ सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल बस है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और बहुत अच्छा है। तो भैया थैंक यू सो मच। ओके भैया, थैंक यू गाइस। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मनाली का बस स्टॉप, जो कि मैं अभी उतर चुकी हूँ और मैं मनाली पहुंच चुकी हूँ। तो आगे की जर्नी अब तय करेंगे, अब मैं जा रही हूँ अपने स्टे में जहाँ मैंने स्टे लिया है, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइज मैं अपने स्टे में पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने स्टे लिया है, तो आइए चलते हैं अब अंदर। यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, ये सारा ब्रेकफास्ट और डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे मेरा रूम है, ये मेरी चाय आ चुकी है गाइस, और अब ये मेरा कैमरे का सेटअप करने वाली हूँ मैं, थोड़ी देर में ही सारा कुछ फैला हुआ है। तो गाइस मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही सारा एंट्री करने पे बता दिया था जहाँ पे मैंने स्टे किया है, तो यहाँ पे स्टे करा है मैंने, वो जो कि मुझे पर डे का पड़ रहा है 1000 रुपीज, बट थोड़ा ज्यादा था, बट उन्होंने बात किया तो मैंने बात की सॉरी, तो उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया प्राइस, तो उन्होंने पर डे का मुझे 1000 रुपीज का लिए बोला है। और दूसरी चीज, जिस बस से मैं आई हूँ वो है आपका लक्ष्मी हॉलीडे, जिससे मैं आई हूँ, तो उसका जो टिकट था वो 1200 का था, और बहुत ज्यादा लग्जरी बस थी, सीरियसली ट्रस्ट मी, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो बाय मैं अपनी कार से आई थी, बट मैं बहुत बार मैं यहाँ आ गई हूँ, 2-3 बार आ गई हूँ, बट मुझे अभी व्लॉग शूट करना था और मुझे अब व्लॉगिंग शुरू कर दी, तो इसलिए मुझे मनाली दोबारा आना पड़ा है। और हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बस में तो बिल्कुल मतलब इतना कंफर्टेबल लगा, मुझे इतना कंफर्टेबल लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत लग्जरी बस थी, फुल एसी बस थी, बहुत नीट एंड क्लीन थी, ब्लैंकेट्स उनके बहुत क्लीन थे, बहुत सारे मतलब मुझे बहुत मजा आया। और अगर आप इस बस से आएंगे तो आई होप कि आप भी बहुत इंजॉय करेंगे, तो आप एक बार आप ट्राई करना जरूर। और दूसरी चीज की मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी ये देख रहे हैं आप मेरे बैक साइड पूरा, ये पूरा मेरा जो व्यू है जहाँ पे मैं ठहरी हूँ अभी, तो आपको अब मैं इतना थक गई हूँ, अभी आप देख रहे हो मुझे, मैं बिल्कुल अभी मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, अब मुझे बस फ्रेश होना है, नहाना वाना है, और उसके बाद में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।